हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने मोबाइल ऐप के जरिए होटल बुक कराने वाली कंपनी ओयो पे उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगे पूरी ना करने पर ओयो के बहिष्कार की चेतावनी होटल कारोबारियों ने दी है। हरिद्वार स्थित एक होटल में होटल कारोबारियों ने बैठक की। ओयो कंपनी इन सभी होटल मालिकों को परेशान कर रही है। वहीं पिछले 6 महीने से ओयो कंपनी उनका पैसा नहीं दे रही है। वहीं बताया जा रहा है कि होटल कारोबारियों ने चेतावनी दी है कि वो अब ओयो कंपनी की गुंडागर्दी और मनमानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कंपनी एक सप्ताह के अंदर उनके रुके हुए पैसों का भुगतान नहीं करती है तो वो ओयो कंपनी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देंगे। मामला ये ओयो से जुड़ा हुआ है, बड़ी कंपनी है, वो आजकल फ्रॉड करने पर उतारू है। जगह जगह, चाहे वो हरिद्वार है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, आगरा है और आपका गुजरात है, हर जगह से ये शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग सुनते थे कि ऐसा हो रहा है, परंतु अब हमने देखा है 138 होटल वाले हैं और उनके ऊपर 101.75 करोड़ रुपया ओयो कंपनी का बकाया है जो कंपनी नहीं देना चाह रही। देखिए, आज हम सभी होटल व्यवसायी यहाँ होटल में इकट्ठा हुए हैं। एक हमने एक मीटिंग करी, सब लोगों की राय ली और सब एक समस्या जो सामने आई है वो ये कि हम जो लोग भी होटल ओयो के साथ काम कर रहा है उसका लगभग पिछले 5-6 महीने से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप हमारे पेमेंट रिलीज़ कर दीजिए, लेकिन वो कहते हैं हो जाएगा। वो पता नहीं वो दिन कब आएगा जब होगा। उत्तराखंड में डेंगू का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 1000 मरीजों को उत्तराखंड में अभी तक डेंगू हो चुका है। अस्पतालों में मरीजों को रखने तक की जगह नहीं है। क्या सरकारी क्या प्राइवेट, सभी की स्थिति एक जैसी है। मरीजों को दर दर भटक कर इलाज कराना पड़ रहा है और ये महंगे इलाज मरीजों की कमर तोड़ रहे हैं। टोटल मिला के प्रदेश में जो हमारे पास सूचना है उसके हिसाब से 980 केसेज आए हैं और मुख्यतः देहरादून का, वो भी रायपुर क्षेत्र है जिसमें कि 678 के आसपास केसेस हैं। दूसरा नंबर पे हमारा अब नैनीताल आया है जिसमें कि लगभग 250 केसेस आए हैं जो पॉजिटिव हैं। तो कुल मिला के 980 के आसपास केसेस हमारे डायग्नोज। अब तक मैदानी क्षेत्रों में ही सीमित रहा डेंगू, अब पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेजी से पैर पसार रहा है। श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में 4 लोगों को डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं अन्य 2 डेंगू पीड़ितों को देहरादून के लिए रेफर किया गया है। अस्पताल में प्रतिदिन 50 से 60 मरीजों का डेंगू टेस्ट किया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन में भी अपने स्तर से डेंगू की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने में लगा हुआ है। अस्पताल में मरीजों को मच्छरदानी के अंदर रखा जा रहा है। वहीं समय समय पर मच्छर मारने की दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है। जहाँ तक डेंगू की बात है, अभी डेंगू के जो मरीज हैं श्रीनगर और इससे ऊपर जो यहीं पर रह रहे हैं उनमें तो नहीं पाया गया है, लेकिन जो मरीज देहरादून, हरिद्वार या मैदानों में और जगह जा रहे हैं जहाँ पर डेंगू बहुत अभी आजकल चल रहा है, उन मरीजों में हो रहा है। और ज़्यादातर यहाँ भी मरीज आए हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वहाँ नौकरी करते हैं मैदानों में या फिर जो विद्यार्थी वहाँ पढ़ते हैं उनमें डेंगू जब वहाँ हो गया था तो उनके अभिभावकों ने उनको यहाँ पे अपने घर में बुला लिया, तो ज़्यादातर वही मरीज हैं। खतरा तो बढ़ सकता है क्योंकि अगर वो मरीज यहाँ पे रहेगा तो ये जो डेंगू बीमारी है ये मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छरों की जो संख्या है यहाँ भी बढ़ रही है, तो उसमें एहतियात के तौर पर रोकथाम की कोशिश तो करनी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी दून के रेसोर्क जैसे इलाके में नकली दूध पनीर मावा बिक रहा था और जनता आराम से इसे खरीद रही थी, लेकिन इसके फर्जीवाड़े का खुलासा नहीं होता यदि एसपी सिटी सूचना के बाद पटेल नगर थाना क्षेत्र के बुग्गी गांव में रेड नहीं करती। एसपी सिटी श्वेता चौबे को गोपनीयता के तौर पर सूचना मिली थी कि इलाके में मानकों के विरुद्ध अवैध तरीके से पनीर मावा आदि बनाया जा रहा है। वहीं पटेल नगर पुलिस के साथ मिलकर एसपी सिटी की औचक रेड से हड़कंप मच गया। मौके से पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी फरमान को अरेस्ट किया जो कि रेसकोर्स दून का ही रहने वाला बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रैफिक नियमों में काफी बदलाव किए हैं।
साथ ही जुर्माना राशि भी काफी बदलाव किया गया है। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ नजर आता है तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं देहरादून के एसपी ट्रैफिक प्रकाश चंद का कहना है कि नया नियम लागू हुआ है, लेकिन राज्य सरकार अभी इसका कोई नोटिफिकेशन सूचना जारी नहीं कर रही है। जो भी इसका जुर्माना होगा या कंपाउंडिंग है वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही राज्य सरकार जारी करेगी। अभी तक पुराने कानून के हिसाब से ही चालान किए जा रहे हैं। देखिए, नया एक्ट लागू हुआ है लेकिन राज्य सरकार द्वारा इसकी अभी नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जो भी इसके फाइन्स हैं, पेनल्टीज हैं, इसके कंपाउंडिंग पावर्स या जो फाइन बढ़े हैं वो उसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लिया जाएगा। अभी पुराने उसके अनुसार ही चालान किए जा रहे हैं, कंपाउंडिंग की जा रही है। ये जनता के हित में भारत सरकार का फैसला है और इससे जनता को लाभ होगा, क्योंकि ट्रैफिक नियम जो बनाए गए हैं जनता उसको ठीक तरह से प्रभावी होने नहीं देती है। तो ये क्या इससे बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, सरकार ने जनहित में उठाया गया कदम है ये। राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए अब पुलिस कर्मियों की ड्यूटी टाइम में सुधार के साथ साथ घर के निकट ही ड्यूटी करने की आज़ादी मिल सकेगी। एसएसपी ने आदेश देते हुए माथातों को कहा है कि महिला पुलिसकर्मी अब 6 घंटे ही ट्रैफिक ड्यूटी में काम करेंगी, जबकि पुरुष कर्मियों से 8 घंटे ही ड्यूटी कराने के आदेश दिए गए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी ने कहा है कि ट्रैफिक ड्यूटी कठिन है, एक स्थान पर खड़े रहना पड़ता है। वहीं महिला पुलिसकर्मियों को राहत दी गई है और अब घर परिवार के निकट चौराहे या ड्यूटी पॉइंट पर ही उनकी तैनाती की जाएगी। खासतौर से जो महिला कर्मचारी हैं उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक ड्यूटी में जितनी भी महिला कर्मचारी तैनात हो रही हैं उनको 6 घंटा ड्यूटी ले लिया जाए। और पूरा कोशिश हम लोग का यही है कि जो ऐसे ट्रैफिक ड्यूटी के पॉइंट्स हैं जो उनके जहाँ पर उनका आवास है उसके आसपास जो है वहीं पर उनका तैनाती किया जाए। श्रीनगर में अवैध शराब का काला कारोबार जमकर फल फूल रहा है। श्रीनगर में एक वर्ष से शराब की दुकान ही नहीं खुल पाई है, जिससे शराब से जुड़े सभी काला बाजारी करके छोटी छोटी दुकानों में अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग इस पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिससे सरकार को करोड़ों के राजस्व की चपत लग रही है। वहीं अवैध शराब की काला बाजारी करने वाले 2 शराब तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा है। इनके पास से 15 पेटी अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई है। एसएसपी साहब द्वारा पूरे जनपद स्तर पर अवैध नशाखोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आज हमने, क्योंकि कल रात थी, आज हमने तो एक चंद्रप्रकाश जोशी है, ये अवैध शराब की इसकी बहुत शिकायतें आ रही थी तो इसको आज गिरफ्तार किया। 15 पेटियां मैं सेंट्रो कार में ये लेके आ रहा था, इसको गिरफ्तार किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। मसूरी गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने शहीदों को फूल चढ़ाकर शहीदों के बलिदान को याद किया। कांग्रेस, भाजपा, यूकेडी के नेताओं ने शहीदों को याद किया। साथ ही नैनीताल सांसद अजय भट्ट, धनौल्टी विधायक प्रीतम पवार और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने शहीद स्थल में पहुंचकर श्रद्धांजलि भी दी। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बने। बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है। एकदम से कहा नहीं जा सकता है कि सब बातें पूरी हो गई हैं। हम शहीदों की सौगंध लेके कहते हैं कि हमारी सरकारें शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था आज वो संख्या यहाँ पर नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है हम अपने शहीदों को भूलते जा रहे हैं। इसे लोगों से अपील करता हूँ कि भविष्य में शहीदों के सम्मान में इस प्रकार का दृश्य नहीं होना चाहिए। राज्य बनने से पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। हम लोग अभी उस गति से तरक्की नहीं कर पाए जिस गति से होना चाहिए था, क्योंकि एक मुख्य जो समस्या हमारे प्रदेश की रही है पलायन की, उस पर कहीं ना कहीं अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जो आंदोलनकारियों की एक सोच थी, कैसा अपना उत्तराखंड होगा, कैसा इसका विकास होगा, कैसे शिक्षित बेरोजगारों को नौकरियां मिलेगी, वो कहीं पर भी धरातल पे कोई बात नहीं आई। हमें अपना राज्य तो मिला और कुछ हद तक हम अपनी पहचान भी बनाने में कामयाब रहे, पर जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था या हमारे शहीदों ने सोचा था कि हमारे प्रदेश ऐसा प्रगति करेगा, उस रफ्तार से हम नहीं कर पाए।
भगवान गणपति इन दिनों अपने ननिहाल कंखल में आए हुए हैं। आदि गणेश को श्रद्धालु अपने अपने तरीके से मनाने में जुटे हुए हैं। कोई भगवान गणेश को टॉफी खिला रहा है तो कोई चॉकलेट खिला के मना रहा है, कोई फूल, कोई चावल तो कोई फल उन्हें दान कर रहा है। आपको बता दें, इसी समय भगवान श्री गणेश की आराधना भी की जा रही है और मान्यता है कि माता सती का मायका और भोलेनाथ जी का ससुराल यहाँ होने की वजह से ये गणेश जी का ननिहाल कहलाता है। यहाँ जो पूजा हो रही है, जैसा कि नाम है, सारे विघ्नों को हरने वाले सभी देवताओं में अग्रगण्य पूज्य, उनकी पूजा की है। और मनोवांछा, जिसकी जितनी वांछाएं हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, अभाव हैं, उन सबको दूर करने के लिए पूजा की गई है। मान्यता तो केवल सुख समृद्धि के हेतु है और पंडित जी का जो मिशन है, मैं 10 वर्ष से लगभग इससे जुड़ी हूँ। 10 वर्ष से इस पूजा को सम्पन्न कराते चले आ रहे हैं पंडित जी। मुझे आत्मिक शांति बहुत मिलती है और साथ ही पंडित जी का ये मिशन इस बात लिए बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि एक गरीब व्यक्ति भी अगर पूजा करना चाहे तो उसको सामूहिक रूप से यहाँ पर पूजा करने का पूरा पूर्णतः अवसर दिया जा रहा है।